चंद्रयान 3 बनाने में इसरो ने 600 करोड़ लगाए और मिशन के सफल होने पर 30,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी करवा दी। जिस जिस कंपनियों ने इस स्पेस एजेंसी से चंद्रयान 3 के पार्ट्स खरीदे, आज उन कंपनियों की गजब चांदी हो गई है। उनका मार्केट कैप जबरदस्त उछाल में है। कई कंपनियों का मार्केट कैप 31,000 करोड़ के पार हो चुका है, यानी कि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग इसरो के लिए चौतरफा फायदेमंद साबित हुई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इस हफ्ते 4 कारोबारी दिनों में स्पेस से जुड़ी 13 कंपनियों के मार्केट कैप में 30,700 करोड़ रुपए की तेजी आई है। इसरो को क्रिटिकल मॉड्यूल्स और सिस्टम सप्लाई करने वाली अनजान कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में इस हफ्ते 26% तेजी आ चुकी है। इसी तरह एवेंटेल, लिंडे इंडिया, पारस डिफेंस और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयर में भी दोहरे अंकों में तेजी आई है। हालत ये हो गई है कि दिग्गज FMCG कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयर्स में भी 8% तेजी आ गई। निवेशकों को लगा कि इसरो को क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनी गोदरेज एयरोस्पेस उसकी सब्सिडियरी है, लेकिन कंपनी ने साफ किया कि गोदरेज एयरोस्पेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन में योगदान देने वाली कंपनियों की लंबी फेहरिस्त है। इसमें कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं। लार्सन एंड ट्रूबो ने सब सिस्टम बनाने से लेकर मिशन ट्रैकिंग में योगदान दिया, जबकि मिश्र धातु निगम ने लॉन्च व्हीकल LVM M4 के लिए क्रिटिकल मटेरियल अप्लाई किया। PTC इंडस्ट्रीज ने चंद्रयान 3 के लिए पंप इंटरेस्टेड हाउसिंग की सप्लाई की, जबकि MTAR ने विकास इंजन, क्रायोजेनिक इंजन सब सिस्टम्स की सप्लाई की। इसी तरह पारस ने मिशन के लिए नेविगेशन सिस्टम दिया, जबकि BHEL ने टाइटेनियम टैंक और बैटरी सप्लाई की। माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता से दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित हो सकता है। अभी ग्लोबल स्पेस मार्केट $447 अरब का है, लेकिन इसमें भारत की बहुत कम हिस्सेदारी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद कई देशों ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी के लिए संपर्क किया है। इसमें सऊदी अरब, सिंगापुर और साउथ कोरिया शामिल हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कई देशों ने भारत से स्पेस के सेक्टर में साझेदारी के लिए संपर्क किया है, हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। गोयल ने कहा, इससे साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत दुनिया की स्पेस कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर अपना योगदान देगा। तो दोस्तों, इसरो के इस मिशन पर इन 13 कंपनियों के भारी मुनाफे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया की हर करंट अपडेट डिटेल में जानने के लिए TV9 YouTube चैनल की ओरिजिनल प्लेलिस्ट से जुड़े रहें।